Hi everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will do the most important diagrams that is in the science for the 10th class board. And because we have covered the chemistry and biology chapters, only one chapter of bio is left. So these diagrams are related to chem bio. Let's start the video. First of all, subscribe the channel that is Science Side. It will help you a lot surely. Let's start. First of all, subscribe the Science Side. This is a channel logo. Go here. You can watch the chapters video, full explanation. The diagrams are there, MCQs are there, session reasons are there. So you can revise your chapters easily in the easy language. So let's start the video. This is a brain. First diagram is related to the brain. Brain mein kya hota hai? Main jaldi se explain karungi. Diagrams bahut sare important wale rakhe hain maine. तो ब्रेन में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है. आपको इस तरह से जो है इस तरह से आपको फोर ब्रेन बनाना है. आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन में हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं. वन ऑफ द पार्ट इज नोन एज अ फोर ब्रेन, वन पार्ट इज नोन एज अ मिड ब्रेन, वन पार्ट इज नोन एज अ हाइंड ब्रेन. तो वी हैव अ थ्री पार्ट्स इन अवर ब्रेन. अब फोर ब्रेन जो होता है मैक्सिमम पोर्शन होता है कि ब्रेन का फोर ब्रेन जो है वो कवर कर लेता है. दो आपके ये हेमीस्फीयर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ये जो सेंटर वाला एरिया है, दिस इज नोन एज अ कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, कैलोसम. उसके बाद हमारे पास होता है मिड ब्रेन. फोर ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं? द फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इन ब्रेन. आपको लर्न करने हैं. फोर ब्रेन का ये फंक्शन होता है जितना मेमोरी का स्टोरेज है, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं, और इसके अलावा आपका जो हमारी बॉडी के जितने भी वोलेंट्री एक्शंस हैं, वो कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? फोर ब्रेन जो है वो उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अब आपको ये भी याद रखना है कि ब्रेन के जो आउटर कवरिंग है, जो स्कल वाली कवरिंग है जिसको बॉनी बॉक्स बोलते हैं, वो बॉनी बॉक्स को हम स्कल भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्कल. ये इसको प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा आपको मेनिंजिस याद रखनी है. ठीक है, वो क्या करती हैं? दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट और द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ब्रेन. तो मेनिंजिस थ्री लेयर्स हैं, आपको उनके नाम याद रखने हैं. कौन कौन से थे? ड्यूरा मैटर, एरिक्नॉइड एंड पाया मैटर. मैं भी फुल नेम नहीं लिखूंगी. यू कैन वॉच द वीडियो विच इज रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो वहां जाके आप देख सकते हैं. ठीक है, अभी दूसरा पार्ट कौन सा था? मिड ब्रेन. मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी स्लीप को, टेम्परेचर रेगुलेशन को, और हियरिंग और साइट से रिलेटेड इसके पास सेंटर्स होते हैं. हाइंड ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइंड ब्रेन आपका इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यहाँ पे स्पेलिंग में यू आना था. इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. अब इसके पार्ट्स आपको तीन पढ़ने हैं. आपको पढ़ना है मेड्यूला के बारे में, आपको पढ़ना है पॉन्स के बारे में, और आपको पढ़ना है सेरिबेलम के बारे में. यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा सेरिबेलम के बारे में. पॉन्स का अपना फंक्शन है, मेड्यूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस कई बार पूछे गए हैं. सेरिबेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस कई बार पूछे गए हैं. दिस इज थ्री, ऑल दीज इंक्लूड द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में पॉन्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो आप एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द सेंटर इज प्रेजेंट हियर. पॉन्स में उसका सेंटर है. मेड्यूला में आपका जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, हिकअप्स हैं, आपकी स्नीजिंग है, आपकी वॉमिटिंग है, उनके सेंटर्स इसके पास प्रेजेंट है. इसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर इसी के अंदर प्रेजेंट है मेड्यूला के पास. और सेरिबेलम हमारी बॉडी का जो पोस्चर और मेंटेन करता है बैलेंस को, मतलब किस तरीके से हमें सीधे खड़े होना है, हमें झुकना है, या हम बस में जा रहे हैं, कार में ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक लग रही है, किस तरह से अपने पोस्चर को मेंटेन करना है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सेरिबेलम. तो दिस इज द ब्रेन का डायग्राम. आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज अ सेरिबेलम. इसमें ये ट्री की तरह स्ट्रक्चर है. ठीक है, आर्बर विटे कहते हैं इसको, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, आर्बर विटे. ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको. ठीक है, और इसमें ये जो ट्री ऑफ लाइफ है ये बना किससे है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बना है. बस इतना सा आप याद रखेंगे तो बहुत है. मेनिंजेस याद रखना, ये क्या करती हैं?
ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, शॉक प्रूफ, मतलब किसी भी इमरजेंसी या एक्सीडेंट के टाइम पे ये जो लेयर्स हैं ये हमारे इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और यहाँ पे स्कल है तो स्कल के साथ टकरा के इसको कोई नुकसान ना हो, इस टिश्यू को, हमारे ब्रेन को, हमारे सॉफ्ट टिश्यू को नुकसान ना हो, तो ये जो है एक कुशन का काम करती है, प्रोवाइड अ कुशन, ठीक है, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम, इट गिव द शॉक प्रूफ जो है आपको एक तरह से ये लेयर्स जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिलेटेड है हमारे किडनी से, ठीक है। हमारे पास कितनी किडनीज होती हैं? टू किडनीज होती हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज प्रेजेंट है, किडनी से उसके बाद किडनी का जो मेन जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, आपको वो याद रखना है नाम। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही किडनी के अंदर, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में है, आपकी किडनी यहाँ पे इस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्स के साथ जुड़ी है जिनको यूरेटर्स कहते हैं, यहाँ लिखा होगा दीज आर यूरेटर्स, नहीं लिखा है, दीज आर यूरेटर्स। तो आपके पास यूरेटर्स भी कितने हैं? टू है। देन यूरेटर्स गेट ओपन इन टू दिस ब्लैडर, दिस इज नोन एज अ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे यूरिन आपका जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, एंड दी दे हैव अ कनेक्शन विद द ब्रेन, तो ब्रेन आपको मैसेज प्रोवाइड करता है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, यू हैव टू रिलीज द यूरिन। तो यूरिथ्रा इज द पार्ट विच इज फॉर द रिलीज ऑफ द यूरिन, तो यहाँ से रिलीज होगा यूरिन, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ से हो गया, आपको क्या याद रखना है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी याद रखना है। नेक्स्ट इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में आपको याद रखना है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या है? देयर इज द कप शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। इसके अंदर हमारे रिलीज हो रही है ब्लड की, जो आपकी वेसल्स आ रही है ना, ब्लड की वेसल्स कैपिलरीज में डिवाइड होगी, दीज आर कैपिलरीज, और कैपिलरीज में होल्स होते हैं छोटे छोटे से जो दिखाई तो नहीं देते क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। ये होल्स रिलीज करते हैं जितना ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जितना ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ यूरिया, जितना भी है वो बोमन कैप्सूल में एंटर होना शुरू हो जाता है। दिस इज बोमन कैप्सूल, ठीक है, इसमें आना शुरू हो गया। अब इसका काम है कि आगे इस ये जो हमारा मटेरियल है जिसमें यूरिन जो है फॉर्मेशन के लिए हमने थोड़ा सा वाटर रखा है एक्सेस वाला, या ग्लूकोज रखा है, या नाइट्रोजिनस वेस्ट रखा है, उसको आगे पास करना इस ट्यूब्यूल में, इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एंड होगा तो आपके पास लूप ऑफ हेनले आ जाएगी, दैट विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले ये लिखा है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जा रही है। एंड देन देयर इज अनदर ट्यूब्यूल यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट होगी जिसको नाम दिया जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसका नाम है। देन देयर इज अ कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला लास्ट वाला चैनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट कि इसको क्या नाम देते हैं, जो कैपिलरीज का अंदर नेटवर्क है इसको क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत नहीं है झूलना, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है। और कैपिलरीज क्या कर रही हैं? आपको पता है कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, दे कॉज द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल द एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज एंड द नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है, बोमन कैप्सूल, देन इट विल पास दिस मटेरियल टू द पीसीटी। और पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीटी करता है रीएब्जॉर्प्शन का काम। रीएब्जॉर्प्शन किसकी करेंगे? अगर मुझे लग रहा है कि अभी ग्लूकोज की मुझे बॉडी में जरूरत है तो मैं इसको रीएब्जॉर्ब करवा लूंगी, मुझे लग रहा है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है अभी भी उसमें से कुछ वाटर का कंटेंट मेरी बॉडी को चाहिए, तो कुछ वाटर का कंटेंट, कुछ ग्लूकोज का कंटेंट फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा पीसीटी। पीसीटी के बाद आपका जो फिल्टर वाला मटेरियल है, ठीक है, वो पास हो जाएगा यहाँ पे, देन इट विल मूव टू द डीसीटी, देन टू द कलेक्टिंग आपका डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से ये सारे नेफ्रॉन जिन्होंने यूरिन की फॉर्मेशन कर दी वो यूरिन कलेक्ट होके किडनी से चला जाएगा यूरेटर में, देन फ्रॉम द यूरेटर इट विल पास यहाँ से, यूरेटर से होके इट विल कलेक्ट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर,
फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इट विल पासिस आउट व्हेन देयर इज अ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन विल गिवन टू आवर बॉडी कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर वी हैव टू रिलीज द यूरिन तब यूरिन रिलीज होता है बॉडी से. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन. जो जो यहाँ पे ब्लड लेके आ रही हैं उनका नाम आपने याद रखना है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर निकल रही हैं दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल. ये भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एफरेंट एंड इफरेंट. ठीक है, जो एग्जिट कर गई बाहर वो इफरेंट से याद रख सकते हो, जो एग्जिट कर गई है, जो आ रही है वो एफरेंट है, जो आ रही है वो एफरेंट है, जो एग्जिट कर गई वो इफरेंट है आर्टेरियोल. क्योंकि ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है आपको पता है ना, आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन ही कैपिलरीज होता है, क्योंकि वो थिन से थिन थिन बन जाती हैं और वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स. तो नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द हार्ट. हार्ट का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ठीक है, ह्यूमंस में. उसमें भी आपको याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पे आपका एट्रियम है, देन वेंट्रिकल है, फिर यहाँ पे और है कौन से साइड का, लेफ्ट एट्रियम इस तरफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरफ है, राइट एट्रियम इस तरफ है, राइट वेंट्रिकल इस तरफ, ये याद रखना है, लेफ्ट और राइट. अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इस पॉइंट से. अच्छा, कौन कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, वो पल्मोनरी वेन से. किसने कैसे याद रखना है, एक ट्रिक था मैंने कहा था, अब आप वीडियो में जाइए आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ओ पान वाले है ना, इस तरह से ट्रिक बताया था. तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसको दे दिए, देन इट विल हैव अ वेल्व, और वो वेल्व क्या करते हैं, वन डायरेक्शनल फ्लो शो करते हैं ब्लड का. इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस वेल्व के थ्रू, दिस वेल्व इज नोन एज अ बाइकप्सिड वेल्व, इस बाइकप्सिड वेल्व को ओपन करके, ये चैनल है, एक गेट है जो ओपन करेगा, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा. लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ी जो हमारी आर्टरी है जिसको ओटा कहते हैं, उसको इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगा. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच जाएगा, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा वापिस, यानी इस एरिया में आना शुरू हो जाएगा. और कौन लेके आएगा उसको, लार्जेस्ट वेन जिसका नाम है वेना कावा, वो इसको लेके आएगा. दिस इज द लार्जेस्ट वेन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा इस एरिया में जिसका नाम है राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम ने उसको रखने से मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा, इसको मेरे गेट से बाहर निकाल दूं. तो गेट कौन सा है आपको याद रखना है, देयर इज अ ट्राइकप्सिड वेल्व एंड दिस विल गेट ओपन. जैसे ही ये ओपन होगा तो आपका ट्राइकप्सिड वेल्व उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देगा, आपके वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में. यहाँ आ गया सारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इसने भी रखने से मना कर दिया, तो इसने कहा कि मुझे नहीं रखना है, लंग्स को भेज दो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सके. तो इन्होंने किसके थ्रू, यहाँ पे नाम लिखा होगा, नहीं लिखा है, ये रहा, इस तरफ लिखा है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये रहा वो कनेक्शन आपका, यहाँ से ब्लड इन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया. किसको दिया, पल्मोनरी आर्टरीज को. इनके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस जाएगा लंग्स में, और लंग्स के थ्रू इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बॉडी से एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और फिर से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके से चल पड़ेगा. फिर से ऑक्सीजन वो ब्लड कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आएगा, यानी लेफ्ट आट्रियम के पास. अब मैंने कहा था ट्रिक याद रखना है, ओ पान वाले ला भाई, तभी याद रख सकते हो कि कहाँ से किसके पास गया. अब ये ट्रिक याद रखने के लिए आप शॉर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, इस ट्रिक के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनी है 1 मिनट की, वो भी देख सकते हैं. नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है कि दैट वी हैव इंजेशन मैथड, हमारा न्यूट्रिशन का मैथड है इंजेशन, हम खाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं हम. होलोजोइक का मतलब होता है कि जो आपका खाना है थ्रू द माउथ अंदर लेके जाते हैं, इंजाइम्स का सिक्रीशन करता है हर एक बॉडी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे माउथ में स्लाइडरी अमाइलेज हम नाम लेते हैं, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है. तो अंदर लेके जाना, अंदर डाइजेशन करना इज नोन एज अ होलोजोइक, होल ऑफ द थिंग को अंदर लेके जाना.
नाउ द स्टेप्स आर इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हम करते हैं एब्जॉर्प्शन, देन वी डू द एसिमिलेशन, देन वी डू द इजेशन। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालो। तो ये स्टेप्स हैं जो हम करेंगे, ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो हम करेंगे। नाउ कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है इंजेशन, यानी टंग हेल्प करेगी, हमारे टीथ हेल्प करेंगे च्यू करने में, टंग हेल्प करेगी, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हेल्प करेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा स्लाइवरी अमाइलेस, और अमाइलेस ही नाम है तो आपको पता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर्स में। तो ये सबसे पहला काम हुआ स्लाइवरी अमाइलेस ने करा, माउथ के थ्रू हमने ये इंजेक्शन स्टार्ट की, देन इट विल मूव टू द फूड पाइप, देन फूड पाइप में हमने फूड को पास करा, फूड पाइप से फूड आ गया स्टमक में। स्टमक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम याद रखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज सम HCl, पेप्सिन एंजाइम। अब सबका अलग अलग फंक्शन है, HCl का, पेप्सिन का, आप मैंने कहा वीडियो में जाके, एक्सप्लेनेटरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर निकालिए, उसमें देखिए क्या फंक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। तो इन दोनों का अपना एक फंक्शन है, जैसे ही फूड यहाँ से डाइजेस्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स हमारी हेल्प करती हैं कि हम उस डाइजेस्टेड फूड को, स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगह, एंट्री में भी और एंड में भी, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर उसका नाम है। तो यहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टमक की बारी खत्म होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उनके ऊपर भी माइक्रोस्कोपिक हमारे पास इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे यहाँ इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, उनके पास भी फिंगर लाइक। तो कितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ये, क्यों, क्योंकि इसके पास है एब्जॉर्प्शन वाला मेथड, एब्जॉर्प्शन इसी ने करवानी है, इसके इसका कनेक्शन है ब्लड वेसल्स के साथ, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, सारा का सारा फूड जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, तो एब्जॉर्प्शन करवाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पास है विलाई और माइक्रो विलाई दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म, जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा रह गया है लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो बॉडी क्यों, वो अनडाइजेस्टेड फूड नहीं चाहिए, थ्रू पेनस इट विल शो द इजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे अभी मैंने सिंपल तरीके से बताया है, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ लीवर, देयर आर सम फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, यू कैन सी द वीडियो। पेनक्रियाज में इंसुलिन हॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लीवर में बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बाइल एंड इंसुलिन, मैंने कहा आप जाइए न्यूट्रिशन वाला वीडियो देखिए तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम, द नेक्स्ट डायग्राम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको लंग्स का पता होना चाहिए, लंग्स में आपको एल्वियोलाई का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होती है भाई, नोज से, जिसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास एयर्स हैं। अच्छा, वहां से कहाँ पास हुई भाई, आपकी नोज से ट्रैकिया में, देन फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए हमारे पास ट्रैकिया के पास आई, दिस पोर्शन इज नोन एज अ ट्रैकिया। यहाँ से डिवीजन आ जाती है, ट्रैकिया से हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई हम उनको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। जैसे ब्रोंकाई हमने डिवाइड करे तो हमारे पास उससे भी स्मॉल जो है वो चैनल्स आगे क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के पास हमारे पास लास्ट में बैलून शेप स्ट्रक्चर, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, दीज आर प्रेजेंट, दीज आर एल्वियोलाई। नाउ दीज एल्वियोलाई का क्या कनेक्शन होता है, इनका कनेक्शन होता है कैपिलरीज के साथ, ब्लड की कैपिलरीज के साथ। जितना ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है थ्रू ट्रैकिया, इट विल पास थ्रू द ब्रोंकाई, देन इट विल पास थ्रू द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, देन इट विल पास थ्रू द ब्रोंकियोल्स एंड देन इट गोज टू द एल्वियोलाई। दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, भी ये इंक्रीज कर रहे हैं, इनका कनेक्शन है ब्लड की कैपिलरीज के साथ। और ब्लड की कैपिलरीज क्या करती हैं, मैंने कहा ना वो थिन वॉल्ड होती हैं, तो
तो जितना मटेरियल यहाँ में जितनी ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में पास होना शुरू हो जाती है। क्यों ब्लड में पास होना शुरू हो जाती है? क्योंकि ब्लड में है आरबीसी, आरबीसी के पास है रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज नोन एज अ हीमोग्लोबिन, और ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है, हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड एंड थ्रू दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन और थ्रू द ब्लड, ब्लड की कैपिलरीज, दीज ऑक्सीजन गेट पास थ्रू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है, टू शो द डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो आपको ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सेक, ये रहे एल्वियोलाई, आपके बैलून शेप स्ट्रक्चर ये आ रहे हैं। रेस्पिरेशन इज डन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको इस पाउच से शुरू करना है, और ये पाउच जो है आपकी जो मेल बॉडी है वहां पे, ठीक है, लोअर साइड में प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से लोअर वाले टेम्परेचर पे हमने वी हैव टू प्लेस द टेस्टिस, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन प्रॉटम, प्रॉटम, ठीक है, ये क्या है एक पाउच की तरह आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉडी वी हैव टू मेक इट लो, ठीक है, सो दैट दे विल इजिली फॉर्म देयर स्पर्म, दे कैन फॉर्म द टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन, स्टीरॉन हॉर्मोन, ठीक है, ये दो चीजें जो है बनाने का काम करेगा कौन, टेस्टिस। तो ये रहा वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी से लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, आपका ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्क्रॉटम प्रेजेंट है, अंदर हमारी ये टेस्टिस है जो हमारे पास स्पर्म को क्या करेंगी, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, और एक हार्मोन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये कब बनता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन देयर इज सम चेंजेस अकर इन द मेल्स एंड फीमेल्स। आपकी एज का फैक्टर आप 10 to 14 ले सकते हैं, कई बुक्स में 11 to 14 लिखा होगा या 13 लिखा होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा आपको। एट दैट टाइम देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द हेयर, द वॉइस चेंज, मतलब क्रैक होना शुरू हो जाता है वॉइस में इन द मेल्स, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये जो आपके टेस्टोस्टेरोन है इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म्स, और स्पर्म्स यहाँ बनेंगे, इट विल ट्रेवल टू द वास डिफरेंस, इस चैनल, इस ट्यूब से वो पास होंगे, ये लूप की तरह इसके ऊपर से आ रही है, एंड देन देयर आर सम ग्लैंड्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल इज द फर्स्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीमन, ठीक है, ये इसको क्या देगा, नरिशमेंट देगा, क्या काम होता है इसका, इट विल हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स भी तो सेल है, उनका नाम होता है जर्म सेल बोलते हैं हम उनको, तो अगर सेल है तो सेल को भी अपनी ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, द फूड मटीरियल एंड इट इज गिवन बाय दिस सीमन दैट इज बाय द सेमिनल वेसिकल। देयर आर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, देयर आर कूपर्स ग्लैंड दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीमन, इट प्रोवाइड कलर एंड स्मेल टू द सीमन, एंड देन ये जो आपके स्पर्म्स हैं इट विल मूव टू दिस पार्ट विच इज नोन एज अ यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा आपका एक कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन के लिए एंड फॉर द आपका स्पर्म की इजेशन के लिए, इजेशन के लिए, ठीक है, तो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म इजेशन। नाउ दिस इज डन, आपको ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं, आपको पाथवे याद रखना है, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हुई, टेस्टोस्टेरोन कहाँ, किसने बनाया, टेस्टिस ने बनाया, टेस्टोस्टेरोन कब बनता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एंड देन द स्पर्म्स विल फॉलो दिस पाथवे, वास डिफरेंस। एपिडिडिमस का नाम नहीं है, ठीक है, नहीं याद रखना है आपने, नहीं रखी है, एपिडिडिमस जो कि स्टोर करने का काम करता है, देन यहाँ से आपका जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, एक चैनल है, एक ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन इसको देता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कलर स्मेल प्रोवाइड करने के लिए, देन इट विल फॉलो दिस पाथवे, इट विल कम्स टू द यूरेथ्रा विच इज अ कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन रिलीज एंड फॉर द स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या याद रखना है, दीज आर ओवरीज,
आपके पास ओवरीज कितनी है, टू, लेफ्ट और राइट आपको दिख रहा होगा। ईच मंथ जो आपकी एक ओवरी है वो एक एग जो है वो रिलीज करती है इनटू दिस स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं हम, और जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे रिलीज होता है एग, ठीक है, यहाँ से आगे मूव करेगा। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज नोन एज अ फिम्ब्रिय, जो कि इस एग को आगे पास करने में हेल्प करते हैं। अब इस साइट पे ये जो फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ होगी, फर्टिलाइजेशन, हाँ जी ठीक चल रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है उसका साइट है यहाँ पे। दिस इज अ कोवुलेटरी ऑर्गन विच इज नोन एज अ वजाइना। दिस इज सर्विक्स, अ नैरो पैसेज फॉर द स्पर्म एंट्री। यहाँ स्पर्म अगर एंटर करता है आपका, देन दिस स्पर्म विल हैव टू मूव इन टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है देन क्या होता है, अगर फर्टिलाइज हो गया, पहले ये बात सुनते हैं, अगर फर्टिलाइज हो गया देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, आपको पता है जब भी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपका फर्टिलाइज होंगे देन इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। आफ्टर सम टाइम जाइगोट विल शो द डेवलपमेंट, टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, आपके पास बनता है ब्लास्टुला। जैसे ही ये आएगी आपके पास स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट जो है, इट शो द इम्प्लांटेशन, अंदर घुस जाना इस थिक लाइनिंग के ऊपर। ये जो लाइनिंग है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं वूम या यूट्रस, ये लिखा हुआ यूट्रस को बोलते हैं वूम, गर्भ। तो इसके अंदर वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन शो करता है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब अंदर जाना नरिशमेंट के लिए, उसको अपनी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट चाहिए, वो कौन देगा, इम्प्लांटेशन देगा उसको एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ने नरिशमेंट देनी है, तो वो जो वॉल लाइनिंग है ना वो हो जाएगी थिक और स्पॉन्जी जैसी हो जाएगी, तो वो उसको देगी नरिशमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है फीटस की। अगर वहां पे हम ये देखें कि एवरी मंथ आपका एग तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन एवरी मंथ नहीं होती, देन द एग एंड ये जो थिक लाइनिंग है इट विल शेड ऑफ, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इन द फीमेल्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रखने हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ये स्टोरी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। ऑल्सो देयर इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है, देयर आर फॉल्स फीड, इस तरह से अमीबा की इरेगुलर शेप है एंड इनको बोलते हैं हम सीडोपोडिया। ये लिखा हुआ मैं क्यों लिख रही हूँ, दीज आर नोन एज अ फॉल्स फीड सीडोपोडिया। ये उसको घेर लेते हैं, फूड पार्टिकल घेर लिया, फूड वैक्यूल बना दिया, इसके अंदर थोड़ा बहुत आपका वाटर का वाटर होगा, थोड़ा एंजाइम जो होगा जो इसकी बॉडी से यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आपका डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है बॉडी से इजेशन के थ्रू बाहर निकल। तो दिस इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द रीजनरेशन। आपको पता है कि जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें रीजनरेशन एक मेथड आता है जिसमें प्लेनेरिया और हाइड्रा का नाम आता है। अच्छा, होता क्या है इसमें, रीजनरेशन यानी रीग्रो, बस ये बात याद रखें, जो भी कट पार्ट होगा बॉडी का वो फिर से रीग्रो कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन हो गया। प्लेनेरिया में कुछ पार्ट्स कई बार अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे कट हो जाते हैं, तो हर एक पार्ट जो है अपने आप में फिर से रीग्रो हो जाता है। दिस इज अ रीग्रोथ, रीग्रो पार्ट, ये वाला नीचे वाला, यहाँ पे ये बीच वाला तो पहले से ही था, ये वाला रीग्रो कर गया, ये वाला रीग्रो कर गया, तो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से अपने आप को इंक्रीज करना शुरू किया। हाइड्रा में भी ऐसे होता है, हाइड्रा जो आपका है, ठीक है, ये हाइड्रा था, दीज आर द टेंटिकल्स ऑफ द हाइड्रा, तो अगर ये पार्ट कट हो जाता है तो वो फिर से रीग्रो कर जाता है। ठीक है, दिस इज रीजनरेशन। नेक्स्ट इज द बडिंग। बडिंग इज शोन बाय द ईस्ट एंड ऑल्सो बाय द हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे, ये देखिए बड़ा अच्छा डायग्राम है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज अ हाइड्रा। यहाँ पे एक बड आउटग्रोथ जिसको बोलते हैं वो डेवलप होना शुरू हुई, दैट आउटग्रोथ विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल, आपको बोल सकते हैं आप बर्ड बन गया या छोटा सा बेबी बन गया, एंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द, ये जैसे ही अलग होगा ना, एंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, तो
तो फ्रॉम पेरेंट बॉडी देन इट विल शो द ग्रोथ, पेरेंट बॉडी देन इट विल शो द ग्रोथ, आपका ये न्यू हाइड्रा की फॉर्म में जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज बडिंग, बडिंग इज द टाइप ऑफ आउटग्रोथ, और वही आउटग्रोथ एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाती है, उसको बोलते हैं बडिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप कर जाती है तो बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द जर्मिनेशन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन द आपका फ्लावर जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पे लिखा भी है, कहाँ गया, ये रहा स्टैमन, दूसरा लिखा ही नहीं है पिस्टिल, वेयर इज पिस्टिल, पिस्टिल पिस्टिल इज नॉट रिटन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पिस्टिल, आप बोल सकते हैं या आप कार्पल भी बोल सकते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में आपके पास मेन ये होता है एंथर, एंथर के अंदर होते हैं बहुत सारे पोलन्स, ये देखिए येलो कलर के आपको पोलन्स दिख रहे होंगे, ये पोलन ग्रेन ही तो उसके ऊपर फॉल करेंगे ना स्टिग्मा के ऊपर। अब मैं ये भी बना देती हूँ, इन्होंने कम्प्लीटली बनाया, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूँ तो इस तरह से ये स्टिग्मा बनेगा। तो ये पूरा जो है पार्ट बच्चे, ये पिस्टिल है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट इज नोन एज अ स्टिग्मा, जो स्टिक करने का काम करेगा, बड़ा स्टाइल मार रहा है तो उसका नाम ही स्टाइल रख देते हैं। ये जो वो बड़ा वाला फूला सा पार्ट है दिस इज नोन एज ओवरी, ओवरी के अंदर छुट्टू होगा, मैंने कहा था दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर, ये क्यों काम आएगा आगे बताती हूँ। ओवरी बड़ा वाला हिस्सा है, इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स हैं, ओवरी जो है, चलो तो पहले फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। अच्छा क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइम पे कुछ पोलन जो है वो थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट, चाहे एयर है या वाटर है या आपका बोल सकते हैं हनी बीज है या कोई और इंसेक्ट है, वो पोलन्स को यहाँ पे फॉल करवाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में तो बहुत ईजी है, यहीं से पोलन गिर के यहाँ स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ लग गए, उसके बाद क्या होता है, कीमोट्रॉपिज्म, व्हाट इज कीमोट्रॉपिज्म, हाँ जी, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ओव्यूल्स, क्या करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और इन केमिकल्स की वजह से ये जो पोलन्स हैं ये पोलन ट्यूब को बनाना शुरू कर देते हैं। दिस पोलन ट्यूब इज फॉर्म, और यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारा मेल गैमेट है जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं या जिसको हम जर्म सेल कहते हैं या जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं, वो मेल गैमेट जो है वो पास होगा इस पोलन ट्यूब के थ्रू, ओव्यूल्स के पास जाएगा, ओव्यूल्स के पास कौन होता है, उसके पास है फीमेल गैमेट यानी कि एग, तो भी जर्म सेल बोल सकते हैं, या फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या शो करेंगे, फ्यूजन, उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद आपको पता ही है कि जायगोट बनता है ना, तो जायगोट बनता है, तो ये प्रोसेस इस पार्ट के अंदर चलेगी। और अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी ओवरी है वो फ्यूचर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बात याद रखनी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड में आगे आपको ये बताना होता है कि आपके पास देयर आर टू कॉटलीडन, देयर इज अ ग्रोइंग शूट, ग्रोइंग रूट, ये कॉटलीडन, ये जो सीड है ना, सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, ये जो कॉटलीडन है, आगे डायग्राम दिया तो नहीं, नहीं दिया, ये जो सीड है इसमें आपको प्लूम्यूल और रेडिकल, दिस इज प्लूम्यूल और आपको रेडिकल, ये पोर्शन दिखते हैं, ग्रोइंग शूट, ग्रोइंग रूट एंड कॉटलीडोन, ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि सीड जो है अपनी ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, उसके पास लीव्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो अपनी ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए वो किस पे डिपेंड है, इस फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल पे, जिसको हम कॉटलीडन्स कहते हैं। अब स्पेलिंग में कुछ झोलमाल जरूर होगा। नेक्स्ट न्यूरोन का स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ब्रेन में आपके पास प्रेजेंट होते हैं, है ना, नर्व सेल्स भी इनको हम बोलते हैं। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंड्राइट का, जो कि रिसेप्टर्स के साथ उसका रिश्ता नाता है, बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स के पास, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर है, स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन, तो वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई कुछ खतरनाक वाली चीज मेरे को चुभ रही है, हट जाओ हट जाओ। तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन और द अदर सेंसरी ऑर्गन लाइक आईज, नोज एंड टंग,
तो वहां से जो रिसेप्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, डेंड्राइट को। डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन किसको दी, सेल बॉडी को, जिसको बोला जाता है सोमा। दिस इज साइटोन और सेल बॉडी। तो सोमा ने वो इन्फॉर्मेशन पास करी एक्सॉन को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सॉन की स्ट्रक्चर देखिए ये इस तरह से, ये लंबी वाली जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक्सॉन है। लेकिन बीच बीच में कुछ सेल्स हैं जिन्होंने उसको कवर अप करके रखा है, स्क्वाम सेल्स, और उनकी कवरिंग को हम बोलते हैं देयर इज अ माइलिन शीथ ओवर द एक्सॉन। एंड जहां पे माइलिन शीथ नहीं होगी दैट पार्ट इज नोन एज अ नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, जहां जहां से कवरिंग होगी हम बोलेंगे माइलिन शीथ इज प्रेजेंट ओवर द एक्सॉन, जहां नहीं होगी बीच बीच में दैट पार्ट इज नोन एज अ नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये हो गया। देन एक्सॉन अपने कुछ एंडिंग शो करता है, एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग उस पार्ट को बोलते हैं, नर्व एंडिंग उस पार्ट को बोलते हैं। ये आगे मेन स्ट्रक्चर। अब एक न्यूरॉन का कनेक्शन दूसरे नर्व सेल के साथ होता है, दूसरे न्यूरॉन के साथ होता है, किसका कनेक्शन बच्चे, फिर आगे यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे किसी और के, ये रहा। तो ये सेल बॉडी है एंड देन फिर एक्सोन आगा, फिर एक्सोन की एंडिंग आएगी। तो दीज आर द डेंड्राइट्स। मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिखूं, डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन, ये कोई और न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के साथ इसका कनेक्शन। इस कनेक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, दैट गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नोन एज अ साइनैप्स, वो बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप के अंदर क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स की फॉर्म में वो जो सिग्नल है वो रिलीज होता है। दिस केमिकल सिग्नल इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। ठीक है, दीज आर केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल, और इम्पल्स इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। द नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ, जनरेटेड तो नहीं, इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ सम सिग्नल्स, दीज आर नोन एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड इट विल पास टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरोन। हम बोलते हैं ना कि सेंसरी ने इंफॉर्मेशन दी किसको, इंटर न्यूरोन को। इंटर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने किसको कहा, इफेक्टर ऑर्गन को, इफेक्टर ऑर्गन जो मसल्स हैं उनको बोला कि हाथ पीछे कर दो। ठीक है, कहाँ से, किसी गर्म चीज से या कैक्टस के ऊपर से या किसी चुभने वाली चीज से हाथ पीछे करने को बोला। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पास होती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में, और ये लार्जेस्ट सेल भी होते हैं हमारे, मतलब फुट में कोई चीज चुभ रही है और ब्रेन तक फटाफट से मैसेज पहुंच जाता है ना कि हाँ पाँव पीछे कर लो। तो लॉन्गेस्ट सेल भी कहा जाता है नर्व सेल को, ये भी बात याद रखना। नाउ द रिफ्लेक्स सेक्शन, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, सेंसरी न्यूरोन को। दीज सेंसरी न्यूरोन जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, है ना। इम्पल्स उन्होंने जनरेट की, वो इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ, मैंने कहा था ना वो केमिकल सिग्नल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करी थी, और वो केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को गए, जिनका मैंने नाम रखा था इंटर न्यूरॉन। अब आपने याद रखना है बच्चे, इंटर न्यूरॉन की जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटर न्यूरॉन है, वो इंफॉर्मेशन किसको आगे प्रोवाइड कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को, मोटर नर्व सेल। लो इस बार नर्व सेल लिख देती हूँ। तो ये मोटर नर्व सेल्स फिर इंफॉर्मेशन देते हैं इफेक्टर ऑर्गन को, बोलते हैं इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन यानी जो मसल सेल्स हैं। अब कोई चीज मुझे चुभ रही थी, ये पिन थी जो मुझे चुभ रही थी रेगुलरली, तो मेरा जो स्किन था उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने इंफॉर्मेशन फटाफट से सेंसरी न्यूरॉन को दी, सेंसरी न्यूरॉन ने देखो इंटर न्यूरॉन को दी, इंटर न्यूरॉन ने देखो मोटर न्यूरॉन को दी, और ये मेरे मसल सेल थे। मसल सेल जो भी आपके हैंड में है या फीट में है, जिस रिसेप्टर जिस भी ऑर्गन के ऊपर है वो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्शन कर दो या वहां से मूव आउट हो जाओ, तो कुछ भी करेंगे लेकिन हमें बचा लेता है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से पास होती है, और ये जो पाथवे है इसका नाम होता है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पास होती है। नेक्स्ट आपका डायग्राम है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। अब हमारे पास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन नाम के ग्लैंड होते हैं। अगर हमारे पास डक्ट के थ्रू किसी केमिकल का रिलीज हो, क्योंकि बॉडी में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल तो कर दिया ब्रेन ने, कोऑर्डिनेशन में भी तो कोई हेल्प करेगा, तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं विद डक्ट,
एंडोक्राइन विदाउट डक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में अपना रिलीज शो करते हैं। जो केमिकल्स है ना, जो भी इन्होंने काम करवाना है तो केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं डायरेक्ट ब्लड में। तो हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस का कनेक्शन इसी के साथ है, पिट्यूटरी के साथ। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ओवरी है, और मेल्स में टेस्टिस है। अब ये कॉमन डायग्राम है, ये फीमेल के लिए मैं अलग से लेके आई हूँ कि ओवरी आपका यहाँ पे अभी करवाया ना आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज यूट्रस, दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब, दिस इज ओवरी। ओवरी से आपका एग का फॉर्मेशन होता है एंड इम्पॉर्टेंट आपका एस्ट्रोजन जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के थ्रू आपका जो हॉर्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज होते हैं। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन देयर इज सम सर्टेन चेंजेस अकर इन द मेल्स एंड फीमेल बॉडी, तब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है बॉडी में। अब स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ऐसे तो बॉडी में ये सबसे छोटा ग्लैंड है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, बहुत सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हॉर्मोन से रिलेटेड है, ग्रोथ हॉर्मोन्स के रिलीज में हॉर्मोन्स, और हाइपो वाली कंडीशन भी हो जाती है बॉडी में इसकी, मतलब कम जो है रिलीज होता है कई बार ग्रोथ हॉर्मोन बॉडी में। कईयों की बॉडी में हाइपर कंडीशन यानी ज्यादा वाला रिलीज होता है, जिनमें कम होता है वो ड्वार्फ रह जाते हैं, ठीक है, और जिनमें ज्यादा होगा उनमें गिगैंटिज्म यानी बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा बॉडी का ग्रोथ जो है, जिसको बोनापन कहते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है, एक्सेस में लंबे हो जाते हैं कई लोग बहुत ज्यादा, जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, तो सब लोग की बहुत बहुत लंबे हो गए, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से रिलेटेड। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें आयोडीन वाला जो फैक्टर है वो आपने याद रखना है, आयोडीन बहुत आपको अपनी डाइट में चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा ना, थायरॉक्सिन जो है रिलीज होगा। थायरॉक्सिन का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म वाला जो काम है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की डाइजेशन वाला जो काम है उसमें हेल्प कर, यानी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करने वाला ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड। ये थायरॉक्सिन रिलीज करेगा और हेल्प करेगा आयोडीन, अगर डाइट में अच्छे से प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसको यहाँ हम बोलेंगे यहाँ पे स्वोलन पोर्शन हो जाता है कई लोगों का नेक के पास, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपका नेक एरिया में प्रेजेंट है, तो आपको एक स्वोलन जैसा पार्ट दिखता है कईयों के गले में, वो स्किन का लटका हुआ पार्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर डाइट, देन इट विल लेड टू द ये थायरॉक्सिन आपका रिलीज नहीं हुआ और प्रॉपर तरीके से, और वो स्वोलन वाला पार्ट जो है हम बोलते हैं कि दैट पर्सन गेट सफर फ्रॉम गोइटर। नाउ देयर आर सम ग्लैंड्स व्हिच इज नोन एज अ पैराथायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड प्रेजेंट होता है, ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, कहाँ, ब्लड में और डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज में कैल्शियम आयन जो है उनके बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है पैराथायराइड, ये भी याद रखना है। पैनक्रियास ये इंसुलिन की सिक्रीशन करता है, एक और भी है चीज इसकी सिक्रीशन करता है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हाँ जी। इंसुलिन क्या करता है, हम खाना खाते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी शुगर होता है, तो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन, ठीक है। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से ना हो तब हमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है, हमें बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज हो जाती है, तब हम मीठा नहीं खा सकते, क्या है कि बुजुर्गों में हमारे घर में ऐसा होता है ना, दादा दादी या किसी को, कि इनको शुगर है, इनको मीठा नहीं देना, इनको चॉकलेट नहीं देनी, मीठी चाय नहीं देनी, ऐसे बोला जाता है, बिकॉज दैट पर्सन गेट सफर फ्रॉम द डायबिटीज मेलिटस। ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है, ग्लूकोज की सिक्रीशन को, जैसे ही फास्टिंग का टाइम है और आपको ग्लूकोज चाहिए उस टाइम पे, तब ग्लूकोज को रिलीज करने का काम ग्लूकागोन का, पहले में थोड़ा सा झोलमा लग, ठीक है, ग्लूकागोन इतना से था। नाउ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, आपको पता है टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स को अपने पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक देता है, वॉइस में चेंज आ जाता है जब, और ग्रोथ हेयर,
हेयर की ग्रोथ जो है इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन जो है, और गर्ल्स में जितने फीमेल्स वाले करेक्टर हैं इट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट, प्रो सेक्शन ऑफ द लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? यहाँ पे क्यूटिकल है सबसे ऊपर, ये वैक्सी वाली लेयर जो लीफ के ऊपर आपको बहुत सॉफ्ट सी दिखती है, दैट इज क्यूटिकल. उसके नीचे आपको एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये याद रखना है, फर्स्ट लेयर, और नीचे से ये फर्स्ट लेयर, ये याद रखना है. बीच में आपको ये मीजोफिल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 इस तरह से लेयर्स. आपको वेन्स यानी वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है जाइलम फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट, आपको पता है फ्लोएम फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ना. ये हो गया, आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन, आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन. व्हाई दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन द क्लोरोफिल के पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट इसके पास है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्या होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से, दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट ग्रीन पिगमेंट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. तो दिस इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मीजोफिल की लेयर में प्रेजेंट. इसके अलावा जो सबसे नीचे आपकी लोअर एपिडर्मिस है उसमें ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है गार्ड सेल्स. और जब दो गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो उनके बीच में होता है स्टोमेटल पोर. व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर. स्टोमेटा किसके लिए होता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. कौन हेल्प करता है इसकी? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के पास क्या होता है? वाटर का कंटेंट, दे बिकम टर्जिड एंड दे बिकम श्रिंक, एंड ड्यू टू दैट फैक्टर आपका जो स्टोमेटा है इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस, चेंज ऑफ गैसेस. इसीलिए लीफ का ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जाइलम और फ्लोएम आपको दिख रहे हैं, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड की. वाटर ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम फूड वाला जो है दैट इज बाई डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ. अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर विद द फुल एक्सप्लेनेशन और अच्छे से देखने हैं, डिटेल्ड वे में देखने हैं, तो आप हर एक, मैंने कहा, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, एक्सप्लेन वाला जो वीडियो है, वहां जाके देख सकते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर देखिए, रिप्रोडक्शन चैप्टर देखिए, रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज देखिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखिए, दैट वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइट, जल्दी से आप जाओ और सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, एंड बहुत अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दो. ठीक है, बच्चा.